हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंच गए, कुछ देर बाद वतन वापस रवाना होंगे। PK-786 से सुबह 9 बजे इस्लामाबाद आएंगे। नैब ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल की तैयारी कर ली। नवाज शरीफ तक रसाई के कानूनी इकदामात मुकम्मल। बोगस केस भुगतने के लिए क्यों हर 10 साल के बाद मैं मुल्क छोड़ दूं भाई? क्यों मुल्क छोड़ दूं? और मैं इस वक्त क्यों मुल्क छोड़ दूं? आखिर मैंने क्या किया है? 4 साल यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दयानतदारी के साथ, खलूस के साथ, मेहनत के साथ अवाम की खिदमत की है। नैब ने झूठा केस बनाया, बोगस केस भुगतने पाकिस्तान जा रहा हूँ। बताया जाए कि कहाँ करप्शन हुई, कौन सा खजाना लूटा गया, हर 10 साल बाद मैं क्यों मुल्क छोड़ूं? नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा के बजाय अकामा पर निकाला। ये तो आप 1999 में भी आपने देखा है क्या कुछ नहीं किया गया। हाईजैकिंग का केस मेरे ऊपर बनाया गया और हाईजैकिंग में मुझे सजा हुई, कौन से कानून के तहत हुई थी? नैब ने आपको गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है। आज न्यूज का नवाज शरीफ से सवाल, कहा ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, यहाँ एक मिनट में वजीर आजम हाईजैकर बन जाता है। हाईजैकिंग केस में भी 27 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए, हिसाबदार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की समाअत कल होगी। वजीर खजाना भी अदालत में पेश नहीं होंगे। आदम हाजिरी पर नैब कोर्ट ने वजीर खजाना के वारंट जारी किए थे। अदालत ने कल इस हकदार के बेटों को भी तलब कर रखा है। शरीफ खानदान और इस हकदार के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस, नैब ने निगरान जज को हफ्तावार पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। हसन और हुसैन नवाज की जायदाद अकर की, नवाज शरीफ के वारंट्स और इसाफदार के खिलाफ गवाहों के बयानात और जिरह की तफसीलात शामिल। किसी सूरत एनआरओ कबूल नहीं करेंगे, टेक्नोक्रेट्स हुकूमत भी नहीं मानते, कप्तान की प्रोग्राम फैसला आपका में खरी खरी बातें, कहा कि नून लीग की पूरी कोशिश है कि सिस्टम डीरेल हो जाए। एक बार फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालिबा भी दोहरा दिया। हम किसी सूरत अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चोरी हुआ हुआ हमारा पैसा और कोई और उनको एनआरओ दे दे जिस तरह मुशर्रफ ने दिया। मुशर्रफ का तो पैसा नहीं था, पैसा तो हमारा था। नवाज शरीफ माने या ना माने, वो -1 हो चुके। अवामी सतह पर नवाज शरीफ अब खत्म हो गए। इमरान खान की फिर साबिक वजीर आजम पर तनकीद, चंद माह में मुस्लिम लीग नून टूटने की पेशगोई भी कर दी। महीने दो महीने की बात है, इस पार्टी ने टूटना है। अगर सिर्फ तब ना टूटती, अगर नवाज शरीफ अपने आप को लैदा कर। बदतमीज का जवाब बदतमीज नहीं देना, वरना ये कल्चर जो इस मुल्क का, पाकिस्तान का खराब कर रहे हैं, वो कोई कौमी खदमत नहीं कर। वजीर आला पंजाब ने कप्तान को निशाने पर रख लिया, कहा कि बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देना चाहते, पाकिस्तान का कल्चर खराब करने वाले कौमी खिदमत नहीं कर रहे। मरियम नवाज ने नई सियासी हिकमत अमली बना ली। पंजाब में नई टीम के साथ उतरने का फैसला, बल्दियाती नुमाइंदे टीम का हिस्सा होंगे, तरक्याती कामों का जायजा भी खुद लेंगी। मरियम ने अगले इलेक्शन में उतरने का फैसला कर लिया या मकसद हमजा शहबाज को टफ टाइम देना है, सवालात सर उठाने लगे। से
सिंध असम्बली में शर्जील मेमन की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा। वजीर आला सिंध कहते हैं नैब अदालत नहीं सिर्फ इदारा है। मेरे खिलाफ भी केसेस बनाने हैं तो बना ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं। नैब कोर्ट नहीं है, नैब एक इदारा है। एक सूबाई असेंबली का मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है उसके मेंबर के साथ नैब दोहरा रवैया अख्तियार कर रहा है, उसकी ऑब्जेक्शन है, कोर्ट की ऑब्जेक्शन नहीं है। शरीफ खानदान के खिलाफ भी रेफरेंसेस हैं, क्या उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हैं? हमारे साथ दोहरा मयार क्यों? शर्जील मेमन नैब पर बरस पड़े। मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली का जिन पर रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, क्या उनके नाम ईसीएल पे हैं? क्या वही रेफरेंस के बाद इसहाक डार साहब मजे के साथ पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, पेशियों पे भी नहीं आ रहे, क्या उनके नाम ईसीएल पे हैं? तो ये दोगली पॉलिसी क्यों है? आपका लाइफ स्टाइल आपके असासों से मेल नहीं खाता। नुसरत सहर अब्बासी का तुर्की बतुर्की जवाब। अगर शर्जील मेमन साहब समझते हैं कि उन पर गलत इल्जाम है, 6 अरब की करप्शन उन पर गलत है, तो वो अपने असासे डिक्लेयर करें। वो बताएं कि इनके पास इस वक्त जो भी असासे हैं वो कहां से आए, इतना अमाउंट कहां से आया, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें तब्दीली कैसे आ गई।